नमस्कार मित्रों, यूँ तो भारत को चमत्कार का देश, रहस्य का देश माना गया है। आज मैं इसी कड़ी में आपको एक ऐसे मंदिर की व्याख्या बताऊंगा जहां मृत व्यक्ति भी कुछ समय के लिए जीवित हो जाता है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। यह मंदिर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर देहरादून से 128 किलोमीटर दूर लाखा मंडल स्थान पर है। यह वही स्थान है जिसका सीधा संबंध कौरवों और पांडवों से है। माना जाता है कि लाखा मंडल बाद में इसका नाम पड़ा। कौरवों ने पांडवों के लिए लाखा महल बनवाया और उसकी साजिश थी कि इस महल के अंदर पांडवों को मार दिया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि लाखा महल के अंदर आग लगवा दी ताकि सारे पांडव वहीं समाप्त हो जाएं, मृत हो जाएं। लेकिन एक सुरंग के सहारे पांडव बाहर निकले और अपने प्राणों की रक्षा की। इस तरह जब वो बाहर निकले तो उन्होंने यहीं पर एक मंदिर का निर्माण किया। माना जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने महादेव की स्थापना की। यह मंदिर उसके बाद लाखा मंडल के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर शिवलिंग के सामने दो मूर्ति रखी है जिसमें से एक का हाथ नहीं है। और यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, परंतु यहाँ जो सबसे बड़ा रहस्य है जिसके आगे दुनिया के समस्त वैज्ञानिक, साइंस, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, वो ये जब भी यहाँ किसी मृत व्यक्ति को लाया जाता है वो कुछ क्षण के लिए जीवित हो जाता है। वो कैसे जीवित हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जब किसी मृत व्यक्ति के शरीर को शिवलिंग और पुतले के पास रखकर मंदिर के पुजारी गंगा जल उस मृत व्यक्ति के शरीर पर छिड़कते हैं तो वह आदमी जिंदा हो जाता है और ईश्वर का नाम लेता है। इतना ही नहीं, फिर पुजारी उसके मुख में गंगा जल डालते हैं और उसके बाद वह शरीर फिर से मृत हो जाता है। आगे आप सुनोगे तो और भी अचंभित महसूस करोगे खुद को। जब इस रास्ते से कोई शव यात्रा निकल रही होती है और जैसे ही वो शव मंदिर के पास से गुजरता है तो उस शव में हलचल होने लगती है। आपको लग रहा होगा कि ये शायद कोई बनावटी कहानी है, और अगर ऐसा किसी भी भक्त जनों को लगे तो वो साक्षात लाखा मंडल जाकर ये देख सकते हैं। वहाँ निरंतर शोध चल रहे हैं और लोग अचंभित हैं, वैज्ञानिक अचंभित हैं कि ये कैसे संभव है। ये साक्षात महादेव का चमत्कार है। ये मंदिर एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जिसको संतान नहीं है और वो चारों तरफ से थक गया है, वहाँ जाके अगर शिवलिंग की आप पूजा करते हैं और मनोकामना रखते हैं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, तो महादेव आपको संतान सुख भी प्रदान करते हैं। कई रहस्यों की कड़ी में आज ये एक रहस्य था, और ये एक ऐसा रहस्य है जहाँ कोई भी व्यक्ति जाके इस रहस्य को अपनी आँख से देख सकता है। इसीलिए बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य सनातन धर्म की जय हो।